वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी की इकलौती ऐसी जगह है जहां स्वयं भगवान शिव का वास है। शायद इसलिए न तो आज तक कोई इस पर्वत पर चढ़ पाया है और न ही कोई हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन इसकी चोटी तक पहुंच पाया है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के आसपास समय समय पर वैज्ञानिकों ने कई अजीब घटनाएं होती हुई देखी हैं। चाहे वह कैलाश पर्वत के आसमान में अजीब तरह की चमकती हुई लाइट हो, कैलाश पर्वत के ऊपर से आती डमरू और ओम की आवाज हो, या फिर यहां पर देखे जाने वाले इंसानों से कई फीट ऊंचे यति मानव। इसलिए 2015 में नासा के वैज्ञानिकों ने गूगल अर्थ जैसी एडवांस सैटेलाइट के जरिए कैलाश मानसरोवर पर दोबारा से रिसर्च की ताकि वह कैलाश से जुड़े इन रहस्यों के बारे में पता लगा सके। और गूगल अर्थ सैटेलाइट से ली गई इमेजेस में जो सच्चाई सामने आई उसने नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। तो दोस्तों, ऐसा क्या था उन तस्वीरों में और आखिर क्यों नासा के वैज्ञानिक भी कैलाश की तस्वीर को देखकर हैरान रह गए? तो आज के इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत के रहस्य और नासा द्वारा कैलाश पर्वत की ली गई तस्वीर के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। इसके अलावा शास्त्रों में यहाँ कुबेर की नगरी होने की बात भी कही गई है। कैलाश पर्वत वो जगह है जहाँ से गंगा नदी निकलती है और यहाँ पर गंगा के अलावा भी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व कर्णाली जैसी नदियों की शुरुआत होती है जो भारत सहित बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से चाइना तक जाती है। आधुनिक रिसर्च ये भी बताती है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के केंद्र की तरह काम करता है, जहां एक और उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव दोनों के बीचों बीच ही कैलाश पर्वत मौजूद है, जहां कैलाश के चारों ओर 100 छोटे छोटे पिरामिड जैसी दिखने वाली आकृतियों के पर्वत मौजूद हैं, जिनके बीचों बीच कैलाश पर्वत खड़ा है, जिसकी चोटी इन सभी में सबसे ऊंची है। 1962 से पहले तक कैलाश पर्वत भारत सरकार और भारतीय सेना के कंट्रोल में था, लेकिन आजादी के बाद कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से चाइना द्वारा 1962 में की गई हमले के कारण भारत चाइना से हार गया और चीन ने भारतीय सीमा में मौजूद कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत की कई श्रृंखलाओं को अपने कब्जे में ले लिया। कैलाश पर्वत के रहस्य उस समय भी काफी ज्यादा प्रचलित थे। इसके अलावा दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर्वत पर कई कीमती संसाधन छुपे होने की भी बात कही गई थी। इसलिए चीन ने भी इस पर्वत पर कई बार चढ़ने और यहाँ पर संसाधनों की खोज करने की कोशिश की, लेकिन चीन की ये सभी कोशिशें नाकाम रही। इसके बाद 2001 में चीन ने दोबारा से स्पेन और रूस के कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ कैलाश पर चढ़ने और इसके आसपास के इलाकों में खोज करने की कोशिश की, लेकिन चीन की कैलाश पर चढ़ने की ये कोशिश भी बुरी तरह से नाकामयाब रही। पर यहां पर चढ़ाई के दौरान वैज्ञानिकों ने कई अजीब घटनाएं देखी। इसी टीम की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक कर्नल आरसी विल्सन ने बताया कि जब हम कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब जो आसमान पूरी तरह साफ था वह अचानक तेजी से बर्फबारी होने लगी और बर्फ ने कैलाश पर्वत की चोटी तक जाने वाले पूरे रास्ते को बंद कर दिया। ऐसा अनुभव हो रहा था मानो हमें कोई ऊपर जाने से रोक रहा हो। रूस के भी कई रिसर्चर्स ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी सारी कोशिशें नाकामयाब हुई। जहां रूस के कई मशहूर पर्वतारोहियों का कहना था कि कैलाश हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में इकलौता ऐसा पर्वत है जहां वो चढ़ नहीं सके, क्योंकि जब उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तब उनके दिल में घबराहट होने लगी और दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया। उनका कहना था, हमें ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई हमें दूर से आवाज देकर कह रहा हो कि यहां से दूर चले जाओ। दोस्तों, दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर कैलाश पर रिसर्च और ज्यादातर रिसर्च यही कहती है कि इस पर्वत के चारों ओर एक अजीब तरह की अदृश्य शक्ति है जो हमेशा इंसानों को इस पर्वत से दूर रखने की कोशिश करती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह है और इसी शक्ति के कारण आज भी कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता। इस पर्वत के चारों ओर कई तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरु और साथ ही टेलीपैथिक संपर्क में है और कहा जाता है कि सभी तपस्वी हजारों सालों से कैलाश पर्वत पर जिंदा है। इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश में अब तक कई लोग अपनी
जान भी गंवा चुके हैं। इसके अलावा समय समय पर इस पर्वत के चारों ओर कई बड़े जीव देखे जाने की भी बात कही गई है। ये जीव देखने में तो इंसानों की तरह है, पर इसका आकार और शरीर की बनावट इंसानों से काफी बड़ी है, जिसे तिब्बत के लोग यति कहते हैं। कई वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि जीव इंसानों के पूर्वज हैं, जो कैलाश पर मौजूद किसी कीमती शक्ति की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए 2001 के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए रोक लगा दी है। पर इसके बाद कैलाश से जुड़े रहस्य के बारे में चर्चाएं और भी तेज हो गई, जिसके बाद 2015 में नासा के वैज्ञानिकों ने भी कैलाश के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अपने कई सैटेलाइट कैलाश पर्वत की ओर मोड़ दिए। इसके बाद नासा ने कैलाश पर्वत की चोटियों की कई तस्वीरें ली और ये तस्वीरें सच में चौंकाने वाली थी, क्योंकि कैलाश पर्वत की इन तस्वीरों में एक परछाई देखने को मिलती है, जो ऐसी लगती है कि मानो कोई इस पर्वत की चोटी पर ध्यान मुद्रा में बैठा हो, जिसे ज्यादातर लोग भगवान शिव कह रहे हैं। यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन ये सभी तस्वीरें नासा द्वारा जारी की गई हैं। वैसे तो हम इंसान हर समय भगवान के होने के सबूत मांगते हैं, लेकिन इस तस्वीर ने सच में दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या यह भगवान शिव के होने का सबूत है? ऐसा सवाल तो मैं आप पर ही छोड़ देता हूं। पर आपको बता दूं कि नासा ने कैलाश पर्वत की इसके अलावा और भी कई तस्वीरें ली हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, लेकिन सभी तस्वीरों में हमें कई अजीब आकृतियां देखने को मिल जाती हैं, जो दिखने में भगवान शिव की तरह लगती हैं, जो कैलाश पर्वत की चोटी पर उभर कर आ रही हैं। सैटेलाइट द्वारा अलग अलग एंगल से ली गई इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है, और इतने ऊंचे पर्वत पर इस तरह की परछाई और आकृतियों का नासा के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए जब नासा ने इन तस्वीरों को पब्लिश किया तो यह तुरंत दुनिया भर में वायरल हो गई थी, यहां तक कि कई न्यूज चैनल ने भी इन तस्वीरों को दिखाया था। कैलाश पर्वत से आने वाली डमरू व ओम की रहस्यमयी आवाज। दोस्तों, अगर आज भी आप कैलाश पर्वत या फिर मान सरोवर झील के आसपास वाले क्षेत्र में जाएंगे तो इस दुनिया के सबसे शांत स्थान में आपको एक काफी धीमी लगातार आ रही ओम की आवाज सुनाई देगी। साथ ही यहां पर ऐसी भी आवाज सुनने को मिलती है जो बिल्कुल ही डमरू के बजने की जैसी है। वैज्ञानिकों का कहना है यह आवाज कैलाश पर्वत पर जमी मोटी बर्फ की चादरों के पिघलने और इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच तेज हवाओं के चलने से पैदा होती है। पर भगवान शिव के भक्तों का तो यही मानना है कि ओम और डमरू की आवाज स्वयं भगवान शिव की कृपा से आ रही है। इसके अलावा कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की अलग अलग आसमान में चमकने वाली लाइट देखी गई है। यह कुछ इस तरह की लाइट जैसे हमें पृथ्वी के दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है, जिसे वैज्ञानिक ऑरोरा कहते हैं। और नासा के वैज्ञानिकों का कैलाश पर्वत पर दिखने वाली इन लाइटों के लिए भी यही कहना है कि इस पर्वत के आसपास चुंबकीय क्षेत्र में काफी बदलाव होने के कारण यहाँ के आसमान में हमें इस तरह की अलग अलग लाइट दिखी है, जो दिखने में काफी चमत्कारी लगती है। वैसे दोस्तों, नासा के वैज्ञानिक कुछ भी कहें, लेकिन उनके ज्यादातर दावे बस थ्योरी तक ही सीमित हैं। वह इनमें से किसी भी चीज को साबित नहीं कर पाए हैं, और वैज्ञानिक यहां पर जीवन की उसी शाखा को अपनाते हैं, जब किसी चीज को समझाया न जा सके तो वहां पर थ्योरी दे दो। पर हो सकता है कैलाश पर्वत की सच्चाई वही हो जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, यानी सच में यहां दिव्य शक्तियां मौजूद हैं, और उन्हीं शक्ति के कारण यहां पर अजीब घटनाएं होती हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है, अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आशा करता हूं आज के वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।